हेलो दोस्तों, जय श्री राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने गार्डन पूनम यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक छोटी सी वीडियो आप सभी के साथ लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हो, मेरे प्लांट्स कितने हेल्दी हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि आप अपने प्लांट्स में ऐसी क्या चीज़ यूज़ करते हो कि आपके प्लांट्स इतने हेल्दी हैं, मतलब क्या चीज़ डालते हो अपने प्लांट्स में। तो प्लीज़ अपने प्लांट्स के बारे में कुछ बताएं। तो आज इसी टॉपिक पे मैं एक वीडियो आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो देखिए, मैं जो है एकदम फ्री के गार्डन करती हूँ। मतलब मेरा जो है जितने भी मेरे पास जो प्लांट हैं सब अधिकतर मैं कटिंग से ही लगाती हूँ। कोई एक आधा ही प्लांट होगा जो मैंने परचेज कर रखा है, वरना अधिकतर मैं कटिंग से लगाना पसंद करती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, मुझे ज़्यादा इन्वेस्ट गार्डन में करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितना भी मैं फ्री से करूँ, मतलब फ्री के गार्डनिंग करूँ, उतना अच्छा है। तो बस मैं आप सभी के साथ में बारी बारी शेयर करती रहूँगी कि मैं क्या क्या करती हूँ और कैसे मेरे प्लांट्स इतने हेल्दी रहते हैं। मैं अपने प्लांट्स में कौन सी खाद डालती हूँ, कौन सा फर्टिलाइज़र वगैरह देती हूँ, सभी चीज़ मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगी। और जब मेरे पास पॉट वगैरह भी नहीं होते हैं तो मैं किस चीज़ का यूज करती हूँ, वो भी सब चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी देख सकते हो, मेरे प्लांट्स अधिकतर आप सभी ने काफ़ी प्यार दिया मेरे प्लांट्स को। काफ़ी ज़्यादा आप सबको पसंद आए मेरे प्लांट्स कि इतने हेल्दी प्लांट है, इतने अच्छे ग्रीन ग्रीन प्लांट है आपके, बहुत सुंदर लगते हैं। तो बस इसी टॉपिक पे मैंने सोचा कि छोटी सी वीडियो आप सबके साथ में शेयर करूँ। तो फ्रेंड देखो, सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, एक तो मैं कटिंग से प्लांट लगाती हूँ अधिकतर, जो भी कटिंग से लग जाते हैं। और जैसे मानसून का सीज़न अभी मतलब चल ही रहा है, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही, क्योंकि सितंबर का जो है लास्ट महीना होता है कटिंग से प्लांट्स लगाने का। तो इसी महीने में जो है मैं अधिकतर कटिंग लगा लेती हूँ, और कोई एक आधी रह जाती तो थोड़ा बहुत वेट कर लेती हूँ कि चलो कोई बात नहीं। और जैसे अगर मुझे कोई भी चीज़ मतलब कहीं पे मिलती है कि हाँ ये कटिंग से लग सकता है, तो मैं उसको भी मैं ट्राई करती हूँ। अगर उसका सीजन भी नहीं है कटिंग लगाने का, तो फिर भी मैं ट्राई करके उसको लगा देती हूँ। अगर सक्सेस हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो कोई बात नहीं। तो बस मैं ज़्यादा कोई जल्दबाजी नहीं करती हूँ प्लांट्स के बारे में। तो आप सभी जैसे कि देख रहे हो, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं अपने जो प्लांट्स हैं, मैं मॉर्निंग में 8 बजे से पहले पहले पानी अपने प्लांट्स में दे देती हूँ। क्योंकि अगर उससे ज़्यादा हम लेट पानी देंगे तो हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी मिट्टी है, जो रूट्स है, मतलब वो गर्म हो जाती है, और उसको फिर ठंडा ठंडा पानी मिलेगा तो उससे जो है थोड़ा मतलब शॉर्ट में चले जाते हैं प्लांट्स। तो वो चीज़ का मैं स्पेशल ध्यान रखती हूँ कि सुबह आप मॉर्निंग में 8 बजे से पहले पहले दीजिए अपने प्लांट्स में पानी। फिर उसके बाद जो है मैं क्या करती हूँ, जो भी मेरे घर में किचन वेस्ट होता है, मतलब खाद में मैं क्या यूज़ करती हूँ, जो भी मेरे घर में किचन वेस्ट होता है, कुछ भी है, कुछ निकलता है, आलू के छिलक, प्याज के छिलक और फ्रूट वगैरह के छिलक, मतलब जो भी मेरे घर में फ्रूट वगैरह आते हैं, मैं सब कुछ जो है मैं कचरे में नहीं फेंकती हूँ। उसको क्या करती हूँ, मैं इकट्ठा करती हूँ और उसका कंपोस्ट बनाती हूँ, या फिर मैं उसको फर्टिलाइज़र की तरह पे भी यूज करती हूँ। मैंने सब चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं, एक बकेट ली, उसमें पानी डाला और उसमें अपने फ्रूट्स, अपने वेजिटेबल्स के सारे जो छिलके हैं वो सब मैंने डाल दिए, ओवरनाइट रख के। उसके बाद जो है मैं अब अगले दिन में अपने प्लांट्स में दे देती हूँ सारे में, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके। अभी मैं आपके साथ में वीडियो शेयर करती हूँ उस चीज़ की भी, मतलब स्क्रीनशॉट लगा के साइड में, बट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि फ्रेंड्स आजकल थोड़ा ज़्यादा बिजी रहती हूँ, तो वो सब चीज़ें करने के मेरे पास टाइम नहीं है। बट जो मैं यूज करती हूँ मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने जो है ये बीन्स लगाई हुई है, और ये भी मेरे जो है वेस्ट, एक मेरे पास कंटेनर पड़ा हुआ था तो आधा टूट गया था, मतलब गल गया, फिर भी मैंने आधे में उसमें नीचे जो है किचन वेस्ट भर के और उसके ऊपर थोड़ी सी एक मिट्टी की लेयर डाली और उसमें मैंने बीन्स के 2 बीज लगा दिए थे, उसी से जो है मेरी बीन्स का प्लांट निकल गया है। और अभी जो कटिंग का प्लांट्स देखा आपने, आर्य चंपा का, ये सब मेरे कटिंग से प्लांट्स हैं।
तो काफ़ी अच्छी, देखो कितनी अच्छी सुंदर सी फ्लावरिंग कर रहे हैं। और काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया है मेरा, लगभग इसको 2-2.5 साल मेरे पास हो चुके हैं। ये भी यहाँ पे भी मैंने कटिंग से लगाई हुई है, और ये छोटी छोटी सी पौध मैं कहीं से लेके आई थी फ्री की, ये भी मैंने जो है फ्री में ही लगाई है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मैं करती हूँ। और जैसे कि घर में कुछ भी वेस्ट हो गया, मतलब हमारे जो किचन में जो डब्बे वगैरह होते हैं, पानी की बोतल होती है बिसलेरी की, ये सब चीज़ें जो है मैं कट करके अपने गार्डन में यूज कर लेती हूँ। जैसे कि देखो मेरे पास ये शूज पड़े हुए थे, एक्स्ट्रा थे, तो इनको मैंने सोचा कि फेंकने से अच्छा है कि इसमें प्लांट्स लगाऊं। मैंने जेट प्लांट लगा रखा है, काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। उसके बाद जो मेरे घर में चावल दाल वगैरह बनती है, ये सभी जो है मैं पानी जो निकलता है ना, उसको मैं जो है अपने प्लांट्स में फर्टिलाइजर के तौर पे यूज करती हूँ, क्योंकि मैं इसको फेंकती नहीं हूँ। हम दाल वगैरह धोते हैं तो एक अच्छा सा गाढ़ा सा लिक्विड बन जाता है, और फर्टिलाइजर के तौर पे इसको हम अगर अपने प्लांट्स में डालेंगे तो हमारा प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है। तो फिर उसके बाद जो है फ्रेंड्स, मैं ये सब चीज़ें यूज करती हूँ। और मेरे जो घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कॉपी वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह ये सब चीज़ें फाड़ते हैं, मतलब कोकोपीट की जगह मतलब हम क्या यूज करें, उसी टॉपिक पे मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। घर में जो भी कचरा मतलब कॉपी वगैरह होती हैं, और हम पार्सल वगैरह अधिकतर मंगाते हैं, ऑनलाइन पार्सल आते हैं, उसमें जो गत्ते निकलते हैं तो उन सबको जो है मैं कोकोपीट की जगह यूज करती हूँ। न्यूज़पेपर सारा मतलब एक कट्टे में मैंने भर रखा है, देखिए एक कट्टे में भर के इसमें मेरे प्लांट्स के जितने भी सूखे पत्ते हैं सब इसको इसमें डाल के सारा किचन वेस्ट मतलब मैं इसी में ही इकट्ठा कर लेती हूँ। एक बोरा लेती हूँ और उसमें रोज की डेली मैं डालती रहती हूँ स्टेप बाय स्टेप, और उसकी मैं जो है इकट्ठा करके फिर इसके ऊपर एक मिट्टी के लेयर डाल के मैं अपने प्लांट्स लगा दूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं जो है ऑनलाइन जो मैंने मंगाया था उसके जो गत्ता निकला था, इसको भी मैंने इसी तौर पे मतलब यहाँ पे रखा हुआ है मिट्टी के ऊपर, और हल्का सा ही सॉफ्ट हो जाएगा। फिर इसके मैं छोटे छोटे टुकड़े करूँगी और उसके बाद जो है अपने जो है कंटेनर में भर दूँगी। तो ऐसे ही मैं करती हूँ फ्रेंड्स। और जो मेरे बच्चे के मतलब कि कॉपी किताबों के पेज वगैरह होते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे छोटे होते हैं तो काफ़ी सारे पेज निकलते हैं, बच्चे फाड़ते हैं कॉपी वगैरह, तो वो सब चीज़ें मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं अपने गार्डन में ही यूज करती हूँ उन सब चीज़ों को। तो फ्रेंड्स ये एक तरह से जो है कोकोपीट की जगह मेरा यूज होता है। आज तक मैंने लगभग मुझे 3-4 साल हो चुके हैं, ज़्यादा ही हो गए होंगे, 3-4 साल से तो ज़्यादा ही हो गए होंगे गार्डन करते करते, बट मैंने आज तक अपने गार्डन में कभी भी कोकोपीट का यूज नहीं किया है बिल्कुल भी। तो फ्रेंड्स इसी तरह से जो मैं अपना गार्डन मैं जो है वर्क करती हूँ और एकदम फ्री की गार्डन में यूज़ करती हूँ, यहाँ तक कि मैं पॉट वगैरह भी ख़रीदना पसंद नहीं करती हूँ। मेरे पास जो मतलब किचन के डब्बे हो गए, यहाँ तक कि बच्चों के स्कूल के बैग वगैरह हो गए, और मेरे जो मतलब बड़े बड़े कंटेनर निकलते हैं हमारी शॉप पे, तो उसमें से मैं जो है ले लेती हूँ, तो वहाँ से उसको भी मैं कट करके उसमें ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे एक टप मैंने ले रखा है, इस टप में भी मेरा जो है गर्मियों का सारा मतलब जो आम के छिलक वगैरह जितने भी फ्रूट्स आए थे सभी मैंने एक बग इसमें भरे इकट्ठा किया और मिट्टी डाल दी, तो उसमें भी मेरे जो है किचन वेस्ट बनने लग रहा है, और मतलब जो कंपोस्ट है वो बनने लग रहा है, और सारा कुछ मतलब इकट्ठा करके इसमें आम के पौधे भी निकल गए हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कनेर का प्लांट लगाया है, ये भी मैंने कटिंग से लगाया है, और इसके नीचे जो है सारा किचन वेस्ट है मेरा जितना भी है, सिर्फ थोड़ी सी ही मिट्टी डालती हूँ मैं, ऊपर सारा किचन वेस्ट भर रखा है। और इधर मैंने गुलदावरी भी इसी तरह से लगाई है। मेरे पास घर में जो बाल्टी वगैरह होती है वो हल्की सी क्रैक हो गई थी, तो मैं उसको फेंकने की बजाय मैं ऐसे यूज कर लेती हूँ फ्रेंड्स, मैं नहीं फेंकती। तो इसी तरह से मैं जो है अपना गार्डन में वर्क करती हूँ और अपने गार्डन को जो है अपना मतलब सब पूरा करती हूँ, और बिना इन्वेस्ट के जो है मेरा सब पूरा हो जाता है, सभी प्लांट्स वगैरह लग जाते हैं। यहाँ पे मेरे बच्चों का स्कूल का बैग था, इसको भी मैंने जो है सारा मतलब इसमें भरा किचन वेस्ट वगैरह, और इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी है और रख दिया एक साइड में। तो फ्रेंड्स मैं इसी तरह से करती हूँ। यहाँ घर में डेली हमारे चाय बनती है, तो चाय पत्ती को भी मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको चाय पत्ती को अच्छे से वॉश करके जो है अपने प्लांट्स में डाल देती हूँ,
तो प्लांट्स में डालने से जो है हमारे चाय पत्ती के काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं, फ्लावरिंग अच्छी तरह करता है अगर हम चाय पत्ती का यूज करते हैं अपने प्लांट्स में, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया है इस चीज़ को कि अगर हम चाय पत्ती का यूज़ करते हैं, अगर कुछ भी हम खाद वगैरह कुछ भी यूज़ ना करो, चाय पत्ती का यूज़ करो तो बहुत ही अच्छे से जो है प्लांटिंग करते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रीन चुलाई वगैरह लगा रखी थी, वो सूख गई है, तो अभी जो है इधर फाड़ के मैंने एक साइड में रखी हुई है। ये मेरे पास कुछ क्रेट है, हमारे यहाँ पे जो है फ्रूट वगैरह जो आता है तो उस क्रेट को मैं इस तरीके से मैं यूज कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अधिकतर आप जितना भी मेरे पास देख रहे हो वो सब वेस्ट चीज़ों में ही मैंने अपने प्लांट्स लगा रखे हैं, क्योंकि मैं बहुत ही कम इन्वेस्ट करती हूँ फ्रेंड्स। इधर सब चीज़ें, ये सब चीज़ें हो गई हैं, ये फॉर दोपहर जो फुल चरस की मैंने कटिंग लगा दी। यहाँ पे मेरा देखो तुलसी प्लांट कितना ग्रीन ग्रीन हो रखा है, कितना हरा भरा है। तो ये सब चीज़ें भी जो है सीड से ही मैंने ग्रो किया था, कुछ भी परचेज नहीं किया। तो अधिकतर आप देख सकते हो, और सामने जो मेरे पॉट वगैरह आप देख रहे हो ये ओनली मुझे जो है 15-15 रुपीज़ के पड़े थे, तो मैंने ये परचेज़ कर लिए थे। इससे ज़्यादा महंगा मैं पॉट कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ अपने गार्डन में। और फर्स्ट टाइम जो है मैंने मिट्टी के गमले भी इसी साल यूज़ किए हैं, क्योंकि ये मेरे जो हस्बैंड है वो लेके आए थे, वरना तो मैं मिट्टी के गमले भी कभी यूज नहीं किए हैं अपने गार्डन में। बट ग्रोथ अच्छी होती है मिट्टी के गार्डन पॉट जो होता है अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, मेरा यही छोटा सा जो है टॉपिक था कि आप सभी के साथ में शेयर करूं। उम्मीद करती हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब।